गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज सूरज नवले एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्रिपेयर एल्बम ऑन 3D फ्लोर कोटिंग। व्हाट इज 3D फ्लोर कोटिंग? 3D फ्लोर कोटिंग इज गेनिंग इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। दिस इज द लेटेस्ट फैक्ट इन द फैंसी फ्लोर वर्ल्ड। स्पेशलाइज 3 डायमेंशनल फ्लोरिंग इफेक्ट यूज इन मॉल्स, ऑफिस, हॉल्स, होम्स एंड अपार्टमेंट्स। 3D फ्लोर कोटिंग ये नए ज़माने में पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये नए ज़माने का फैंसी फ्लोर वर्ल्ड का लेटेस्ट फैड है। ये 3D डायमेंशनल फ्लोरिंग इफेक्ट इसमें आता है और ये मॉल्स, हॉल्स, ऑफिसेस और अपार्टमेंट में यूज़ होता है और ये वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ऑफ 3D फ्लोर कोटिंग, दे लुक अवेसम, मतलब वो ऑसम दिखते हैं बाकी के 3D फ्लोर कोटिंग के, बाकी के फ्लोर कोटिंग से बेटर दिखते हैं। वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होते हैं, उसका मेंटेनेंस कम होता है और वो सेफ एंड क्लीन रहते हैं, मतलब वो सीमलेस होने की वजह से हम उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। उसमें कुछ फायर लगने के भी चांसेस कम होता है, वो फायर रेजिस्टेंस होता है और वो अमेजिंग दिखता है, हम इस इमेज में देख सकते हैं। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स ऑफ पीपॉक्सी 3D फ्लोर कोटिंग, दे कैन बी प्राइसी। प्राइसी मीन्स अभी मार्केट में प्रोफेशनल कम है, इस वजह से उस 3D फ्लोर कोटिंग इंस्टॉलेशन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा जाता है, मतलब प्राइस इज हाई अदर देन फ्लोर कोटिंग। वो इंस्टॉल करने में हार्ड होता है, हार्ड टू इंस्टॉल, दे आरन फॉर एवरीवन। थ्री डी फ्लोर कोटिंग एप्लीकेशन में कुछ इस तरह होता है, मतलब वो पहले सरफेस के बाद उसका सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्टली ग्राइंडिंग करके वो उसको लेवल में लाते वो फ्लोर, और उसके बाद वाटर क्लीनिंग, उसमें डस्ट रस्ट सब क्लीन होता है। उसके बाद एसिड और अल्कली क्लीनिंग करने के बाद हमारा सरफेस एक्टिव होता है सरफेस कोटिंग के लिए। उसके बाद पहले प्राइमर एप्लीकेशन होता है, उसके सेल्फ लेवलिंग प्राइमर होता है, उसके बाद फर्स्ट कोट आता है। फर्स्ट कोट के बाद 3D इमेज, जो विनाइल शीट पे हम प्रिंटिंग करके लाते हैं वो 3D इमेज हम इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद टॉप कोट अप्लाई होता है उस पर, टॉप क्लियर कोट और सीलर। एप्लीकेशन एरियाज, किड्स डेकोरेटिंग रूम, बाथरूम्स, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, स्पोर्ट्स फैंस, शोरूम्स। किड्स डेकोरेटिंग रूम मीन्स अगर हमारे बच्चों को कुछ कुछ कार्टून पसंद है तो उसका हम एप्लीकेशन हमारे घर में कर सकते हैं, उसका 3D फ्लोर कोटिंग इफेक्ट हम दे सकते हैं। प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस का लोगो हम हमारे फ्लोर कोटिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए। किड्स डेकोरेटिंग रूम विद देयर फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर, सुपर हीरो और वीडियो गेम कैरेक्टर ऑल्सो। इपॉक्सी फ्लोर्स आर हाईली एंटीबैक्टीरियल, सो इफ यू हैव किड्स देयर इज नो बेटर फ्लोर। हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए हम कार्टून, सुपर हीरो और वीडियो गेम्स का कैरेक्टर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वो एंटीबैक्टीरियल, उसमें हम एंटीबैक्टीरियल भी कर सकते हैं, इस वजह से हमारे बच्चों को कुछ बैक्टीरिया और उसकी बीमारी से सलाह मिलती है। बाथरूम्स, ऑन द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन हैज़ बीन द ओशियन व्यू टाइप 3D फ्लोर्स आर दैट हैव बीन अपेयरिंग इन बाथरूम्स रिसेंटली। मतलब हम समुंदर का फील हमारे बाथरूम में ले सकते हैं, हम इस इमेज में देख सकते हैं। एक इमेज है बिफोर 3D फ्लोर कोटिंग एंड आफ्टर 3D फ्लोर कोटिंग। पहले इमेज में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सिर्फ फ्लोर कोटिंग की हुई है, वहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट नहीं डाला हुआ है। और अगले इमेज में हम देख सकते हैं कि एक इमेज वहाँ पे विनाइल शीट अप्लाई की हुई है और वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब दे लुक अमेजिंग। उसके कुछ इक्विपमेंट है 3D फ्लोर कोटिंग इंस्टॉलेशन के लिए।
इक्विपमेंट नीडेड फॉर 3D फ्लोर कोटिंग, प्राइमर, वो जो सरफेस प्रिपरेशन के बाद पहला कोट आता है वो प्राइमर, उसके बाद पोस्ट कोट अप्लाई किया जाता है, उसके बाद हमें 3D इमेज चाहिए होती है जो विनाइल शीट पे हम प्रिंटिंग करके लाते हैं, वो 3D इमेज 2K सिंथेटिक रेजिन, उसमें कोई भी रेजिन ले सकते हैं हम PU, इपॉक्सी, हाइब्रिड कर सकते हो उसमें, रोलर, वो जो उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि अगर वहाँ पे बबल फॉर्म होते हैं तो उसके लिए रोलर चाहिए होता है, स्क्वीज स्मूथ आउट द इमेज, सेफ्टी इक्विपमेंट, मिक्सर, ट्रॉवेल, बकेट। हम जब 3D फ्लोर कोटिंग अप्लाई करते हैं तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए होता है, तो सेफ्टी टूल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद मिक्सर, जो हम बेस और हार्डनर मिक्स करते हैं उसको मिक्स करने के लिए मिक्सर चाहिए होता है, और बकेट, हाउ टू इंस्टॉल, पहले सरफेस प्रिपरेशन, उसमें एसिड अल्कली क्लीनिंग, और उसके बाद प्राइमर, जो सरफेस के बाद पहला कोट आता है वो प्राइमर, उसके बाद मिड कोट, उसके बाद 3D इमेज हम इंस्टॉल करते हैं जो विनाइल शीट पे आती है, और उसके बाद टॉप कोट। दिस इज मेटेलिक 3D फ्लोर कोटिंग। 3D डिज़ाइन क्रिएट अ सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम फ्लोर टू वॉल, मेकिंग यू फील लाइक यू आर ट्रूली सबमर्ज्ड इन एन अंडर वाटर पैराडाइज। मतलब हम जो हम अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर का फील ले सकते हैं, उसका आनंद हम ले सकते हैं। दिस इज एन इमेज ऑफ 3D फ्लोर कोटिंग इन हॉल। थैंक यू।